आज हम बात करेंगे चारा चुकंदर की। चारा चुकंदर की अभी तक हमारे पास कोई किस्म नहीं है, लेकिन चारा चुकंदर की किस्में प्रचलित है और इन्हीं किस्मों को हम किसानों के खेतों पे प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। और जैसा आप देख रहे हैं कि ये जो चारा चुकंदर है इसका भविष्य बहुत अच्छा है। हम अगर इस चारा चुकंदर को किसानों खेतों पे अगर ले जाते हैं, पशुओं के लिए क्या इसका लाभ है? अगर हम चारा चुकंदर पशुओं को खिलाते हैं तो पशुओं का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। इसमें प्रोटीन भी मिलती है, इसकी पत्तियों में 14 से 15% प्रोटीन होती है, जड़ों में 5 से 7% प्रोटीन होती है शुष्क भार के आधार पर। उत्पादन तकनीकी, हम कैसे उत्पादन करना है, तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, हमें खेत का चुनाव करना होता है। मिट्टी वो होनी चाहिए जिसमें, क्योंकि इसका बीज बारीक होता है तो मिट्टी बारीक हो। बारीक करने के लिए हैरो की जुताई करनी है, हैरो से 2 बार बास लगाने हैं हैरो से, और एक उससे पहले डिस्क प्लो से। तो 1 बार डिस्क प्लो, 2 बार हैरो से क्रॉस प्लोइंग करते हैं, उसके बाद पाटा लगा के खेत को तैयार करते हैं। और हल्की लवणीय मृदाएं भी इसके लिए उपयुक्त है। जिन किसानों के पास सिंचाई में जो पानी है अगर वो थोड़ा लवणीय भी है तो भी इस फसल के लिए उपयुक्त है, क्योंकि ये कहते हैं कि लवण को ये पसंद करती है, साल्ट टॉलरेंट फसल है। बीज हमें कितना लगेगा इसका, 2 से 2.5 किलो बीज प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। बीज को किस गहराई पे बोते हैं, 2 से 2.5 सेंटीमीटर गहराई पे बोते हैं, और रिजेज जो है, जो मेड़े बनी हैं मेड़ों पे 20 सेंटीमीटर दूरी पे ये लाइन पे हम लगाते हैं इसको चुकंदर को। इसमें क्या, जब इसका अंकुरण होगा तो ये मल्टीजर्म होती है, इसमें एक बीज में 2 से 3 पौधे उगेंगे, इसलिए हमें इसका थिनिंग का मतलब बोलते हैं ना कि पौधे डबल होंगे तो उसको आधा हमें हटाना होगा, तभी प्रॉपर इसकी जो प्लांट स्टैंड है या पौधों की संख्या वो रह पाएगी। हमें इसमें कितना खाद और पानी उर्वरक वगैरह हमें देना है, तो खाद की बात करें तो एक गोबर की खाद 25 से 40 टन प्रति हेक्टेयर हमें खेत की जो हम तैयारी कर रहे हैं उससे पहले हमें खेत में उसमें मिलाना है। 150 किलो पोटास की हमें ज़रूरत पड़ेगी। मिट्टी में सल्फर की और जिंक की कमी है तो 30 किलो सल्फर और 25 किलो जिंक सल्फेट चाहिएगा प्रबंधन। इसको पानी की वजह से कम जरूरत होती है, 6 से 10 सिंचाइयों में 4 महीने के पूरे समय में 25 दिन पे और 50 दिन पे 2 बारिश में हमें इसमें मिट्टी चढ़ानी है, क्योंकि ये एक ऐसी फसल है जिसमें जड़ बाहर आती है, 2/3 मतलब ये कह दें कि 2/3 जड़ बाहर आती है, 1/3 जड़ अंदर रहती है, इसीलिए तो मेड़े बनाई जाती है। तो मेड़ बनाने से जड़ें अंदर रहेगी और मिट्टी चढ़ाने से जड़ों की जो साइज है, जो आकार है वो बड़ा होगा। नियंत्रण शुरू में 60 दिन में इस फसल की बढ़वार बहुत धीरे होती है, तो हमें क्या करना होगा कि मैनुअली या लेबर के द्वारा 60 दिन तक खरपतवारों मुक्त इस फसल को रखना है, तभी हम इसका इष्टतम उत्पादन ले पाएंगे। रोग एवं व्याधियां, वैसे सामान्यतः देखा गया इसमें कोई बीमारी नहीं आती, लेकिन अगर जड़ गलन रोग आता है तो ट्राइकोडर्मा विरडी जो होती है उसका 1.25 किलो प्रति हेक्टेयर दर से उसका उपयोग करें। और अगर बीज जब हमें मिलता है, अगर बीज का ट्रीटमेंट नहीं किया हुआ तो ये फंजीसाइड थिराम कैप्टान 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से हम बीज को उपचारित करके बोएं तो ये बीमारी इसमें नहीं आएगी। और अगर रस चूसने वाले कीड़े अगर इसमें आते हैं तो 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में नीम सीड करनेल एक्सट्रैक्ट, जो नीम की जो निमोली होती है उसका जो एक्सट्रैक्ट होता है वो डाल के स्प्रे करने से कीड़ों से इसका बचाव होगा फसल का। ये फसल लगभग 120 दिन में पक के तैयार हो जाती है। इसका बुआई का जो समय होता है वो अक्टूबर से दिसंबर तक हम बो सकते हैं। फसल मैच्योर हुई कि नहीं हुई इसका पता कैसे लगाएं, परिपक्व हुई नहीं, जो इसकी जो पौधे होते हैं नीचे की जो पत्तियाँ 3-4 पत्तियाँ अगर सूखने लग जाती है इसका मतलब ये परिपक्वता की ओर जारी होती है।